वही करते देखिए, बच्चे तो ऐसी चीज है, पेरेंट्स हर बंदा बहुत परेशान होता है। मैं खुद इतनी परेशान, मेरी बेटी कल मुझे बता रही थी कि हम फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं, तो मैंने फौरन मना कर दिया कि कोई फील्ड ट्रिप पे नहीं जाना। हम अपने बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पे नहीं भेज सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। और जिन स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर वैसे ही जो है एक कॉन्वेंट और ग्रामर के आसपास तो इतना डर लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। वहाँ पे सारे ऐसे जो हैं ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई किसी का बच्चा पढ़ रहा है, इतनी मुश्किल होती है। मुझे बताएं, स्कूल सेफ्टी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब आप जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आपने ये देखा कि वहाँ एक बच्चा और माँ स्कूल जा रहे थे, सामने 8 स्कूल थे। जो करने वाला था वो तो किसी के घर को टारगेट कर रहा था, लेकिन उसने ये नहीं माइंड में रखा, जाहिर है वो तो दहशतगर्द था, उसको तो नहीं पता कि सामने स्कूल है, वो तो और चाह रहा होगा कि कुछ हो। इन सेफ्टीज के लिए आपने क्या किया, इनकी सिक्योरिटी? हमने स्कूल सेफ्टी का एक पूरा ब्रोशर बनाया हुआ है, और जितने भी ये स्कूल्स हैं कराची के, उन सबको ये ब्रोशर हमने मुफ्त तकसीम किया है, और उसमें सारी वाज़ह हिदायत दी हुई हैं। और हम अब भी तमाम स्कूलों से आपके प्रोग्राम की तवस्सुल से अपील करेंगे कि हमारा जो सेफ्टी ब्रोशर है, अगर उनके पास नहीं है तो हमसे मंगवा भी लें, और या हमें फ़ोन कर दें, हम उनको पहुंचा देंगे। इस सेफ्टी ब्रोशर में जो है वो सारी चीज़ें दी गई हैं कि किस तरीके से आप अपने स्कूल को सेव कर सकते हैं, और उन हिदायत पर अगर अमल कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हम दहशतगर्दों को डाइवर्ट भी कर देंगे और चीजें जो है वो बेहतर। लेकिन देखिए ना अहमद साहब, अगर एक बच्चा स्कूल से निकल रहा है, अब वहाँ पे कोई कोई आ गया गैंगस्टर या कोई दहशतगर्द आया, और उसने जी कहा कि जी बच्चा हमारे हवाले करो, तो फिर क्या किया जाए? वहाँ की सिक्योरिटी तो बढ़ जाए। नहीं, वहाँ पर तो स्कूल की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ना। हाँ। कि वहाँ पर जब हालात ऐसे हों तो फिर स्कूल को भी चाहिए, उसकी मैनेजमेंट को चाहिए कि जी हम अपने बच्चों के तहफ्फुज के लिए एडुकेट सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी कर ले, कि ऐसा नहीं है कि दहशतगर्द जो है वो बड़े मज़े से जैसे आए जा कर करके चला जाए। तो बहुत सारे स्कूलों में ये सेफ्टी प्रोग्राम जो है उन पर अमल किया जाता है, और वो निस्बतन सेफ भी हो जाते हैं। तो अब जब कराची में हालात बेहतर ना हो, तो लोगों को चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट को चाहिए कि इन तमाम सेफ्टी रूल्स को मद्देनजर रखते हुए अपना प्रोग्राम जो है वो बनाएं। एटलीस्ट हमारी एजुकेशन जहां हमारे बच्चों को मिल रही है वो जगह तो सेफ हो। चले बाजारों से तो आप रोक सकते हैं बच्चों को, मॉल से जाने से रोक सकते हैं, फील्ड ट्रिप से आप रोक सकते हैं, लेकिन आप स्कूल जाने से तो बच्चों को नहीं रोक सकते। जी, रोकने की बात नहीं की, बिल्कुल वहाँ भी जाएँ, बाजारों में भी जाएँ, सब जगह पर जाएँ, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हमारे हुकाम बाला का ये काम है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनका काम है कि इन जगहों को महफूज बनाने के लिए अमली इकदाम किए हैं, और अब वक्त ये ज़रूरत है और इसको हमें करना है। परसों रात का जो वाक़ा है, मैं समझता हूँ कराची एक बहुत बड़ी तबाही, बहुत बड़ी तबाही, और शायद इस तबाही को हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। इसके लिए मैं समझती हूँ हमें अपनी वाकई पुलिस फोर्स को थोड़ा सा क्रेडिट ज़रूर ज़्यादा ही देना चाहिए, क्योंकि अगर सिक्योरिटी थोड़ी ढीली पड़ जाती तो पता नहीं फिर क्या हो जी। तमाम तर क्रेडिट मैं समझता हूँ कराची पुलिस को जाता है, और इस मौके पर जहाँ हमने बुरा भला भी कहते हैं मुख्तलिफ मौकों पर, वहाँ उन्हें अच्छा भी कहें, अच्छा भी बोलना चाहिए। और जो ये दो जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि आवाम को चाहिए कि उनकी फैमिलीज के लिए अपने डोनेशंस और कंट्रीब्यूशंस भी भेजें, और उनकी फैमिलीज के लिए की हिम्मत भी बढ़ाएं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इसमें ज्यादा रोल अदा करना चाहिए। जी, गवर्नमेंट ने अपना रोल अदा किया है, शहीद के लिए जो कंपनसेशन है कराची पुलिस की तरफ से वो भी दिया गया है, मगर मैं समझता हूँ ये काफी नहीं है। आवाम को भी चाहिए कि उनका साथ दें गवर्नमेंट का, और उन फैमिलीज को जो है वो जितनी ज़्यादा तादाद में हो सके मदद करें, उनको कंसोल करें, और उनको ये फील करवाएं कि उनके लोगों ने जो है वो कराची के लिए जान दी। अच्छा अहमद साहब, पब्लिक में अवेयरनेस के लिए आप क्या कहेंगे, क्या प्रोग्राम है कि अलर्ट रहना, ऐसा कोई हादसा एकदम से हो जाए तो कैसे, क्या करें, क्या रिएक्ट करें, कैसे? देखिए, किसी भी हादसे की सूरत में हमेशा ये कहते हैं कि 15 को रब्ता करें। हाँ। और साथ साथ CPLC की हेल्पलाइन जो 24 घंटे काम कर रही है, और हमारा कॉल अटेंडिंग रेट जो है वो 97-98% है, तो जहाँ आपको ये पता हो कि 97-98% आपकी कॉल मिल जाएगी, वहाँ फौरी तौर पर कॉल करके किसी भी मुमकिन हादसे की निशानदेही करें, कोई भी वाक़े की निशानदेही करें, और इंशाल्लाह हमारे पास से या कराची पुलिस के पास से फौरी क्विक रिस्पांस जो है वो दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम एक बेहिस से हो चुके हैं? जब तक हमारे साथ खुद कुछ नहीं होता तो हम दूसरे की बात को इतनी अहमियत नहीं दे रहे होते या उस चीज़ को समझ नहीं रहे होते। बात आपकी बिल्कुल सही है, ये एक मैं समझता हूँ कुदरती अमर हमारे लोगों में आ गया है कि हम जो है वो जब तक जो कुछ हमारे साथ नहीं होता,
हम इस चीज़ को महसूस नहीं करते, उस दर्द को महसूस नहीं करते। और सच्ची बात यह है कि वो दर्द उसी को महसूस हो सकता है सही मानों में जिसके साथ कोई हादसा होता है। अच्छा, फिर एक चीज़ पे सॉरी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रोकूंगी, एक चीज़ मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड कहनी है कि जब आप देखते हैं ना कि कोई दो लोगों की लड़ाई रास्ते में हो रही है तो बड़ा झमघट्टा खड़ा हो जाता है। किसी लड़की से गाड़ी लग गई, मेरे साथ अक्सर हुआ है, मुझे मेरी गाड़ी लग जाती है, मुझसे अक्सर गाड़ी लग जाती है, तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे तमाशा बनाने के लिए और फौरन औरत को आके कहना शुरू कर देंगे हाँ हाँ आप ही की गलती है। ऐसी एक मिसाल दे रही हूँ, लेकिन यहीं कहीं किसी औरत का कोई किसी को स्नैचिंग हो रही हो या किसी औरत से बदतमीजी हो रही हो या किसी के साथ भी कुछ हो रहा हो, कोई आगे बढ़ के उसकी मदद नहीं करता। लेकिन अगर तमाशा वैसे देखना हो तो जरूर आगे आ जाते हैं, खड़े होते हैं लेकिन मदद नहीं कर रहे होते। देखिए ये तो अब लोगों का फर्ज है, मैं वही कहना बेहद सोच नाजुक अगर है वहां पर तो उसकी वैसे भी मदद कर दे। और देखिए आइसोलेशन में ये इंसिडेंट ज़रूर हो सकते हैं कि उन्होंने केयर नहीं की, लेकिन मैं अपना तजर्बा बताता हूँ कि ज़्यादातर केसेस में हमने ये देखा है कि लोग औरतों की मदद जो है वो ज़्यादा करते हैं, बल्कि अगर उनकी गलती भी होती है तो उस मर्द को कहते हैं कि तुमने जो है वो गलत किया है। नहीं ये आइए फिर आपने शायद आप जैसे मर्द मदद कर देते होंगे, लेकिन मैं एक दो चीज़ें आपको बता रही हूँ ना, अगर औरत से गाड़ी लग जाएगी तो सब आके उसके ऊपर शुरू हो जाएंगे कि हाँ हाँ आपसे गलती हुई आपसे गलती हुई। जहाँ औरत से कोई बदतमीजी कर रहा होगा या उसका बैग छीन के जा रहा होगा या कुछ भी ऐसा हो रहा होगा, मैंने बहुत दफ़ा देखा और तो लड़कियों से मासियाँ गुजर रही होती हैं उनके साथ लोग बदतमीजी करते हैं, कोई पुलिस वाला कोई कुछ किसके चिड़ कुछ कह रहा होता, कोई आगे नहीं बढ़ा, चले पुलिस तो आ भी जाएगी, जो लोग आसपास के वो नहीं आ रहे। तो इस सवाल का मतलब ये था कि बेहिस हो चुके हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, देखें जब भी कोई इस किस्म की वारदात हो रही होती है तो लोग जो हैं वो डरे हुए होते हैं कि जी हम अब इसमें हाथ हम पड़ेंगे तो खुदा ना खास्ता हम पे रिएक्शन ना हो जाए। तो और कराची के हालात भी ऐसे, और जो भी दहशतगर्द आता है या क्रिमिनल आता है वो इस बात की परवाह नहीं करता, बल्कि जो बचाने वाला है उसको वो पहले जो है उसके ऊपर रिएक्ट करता है। तो यहाँ ये कुदरती अमर होता है, लेकिन बात यह है कि लोगों में अब ये शऊर आना चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें अपनी परवाह किए बगैर। और दो चार अगर ऐसे केसेस हो जाएंगे तो फिर कोई भी क्रिमिनल जो है वो इस बात की कोशिश नहीं करेगा कि जी मैं एक बाज़ार के अंदर किसी को तनहा जो है वो लूट लूँ, उसको ये उसके जहन में होगा कि अगर मैं ये करने जाऊँगा तो बराबर के लोग आकर मुझे जो है वो नहीं बख्शेंगे। ज़्यादातर तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आना चाहिए। बिल्कुल, इस पर हम बात करते रहेंगे। और आज हम जैसे आपको मैंने बताया था कि नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं हमारे मुल्क में, सैलाब, फ्लड और ये सब जो आ रहा होता है, जलजला, इस तरह की चीज़ें, अभी जो सैलाब आया हुआ है इस पर हम बात करेंगे। हमने इस पर एक पैकेज भी बनाया, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।